नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पीके गुरुजी में। आज के अपने इस वीडियो में हम एक मैथ का प्रश्न डिस्कस करेंगे। तो यहाँ हम जिस प्रश्न की बात करेंगे उसको पहले देख लेते हैं। तो प्रश्न हमारा क्या है? प्रश्न है कि एक आयताकार खेत की चौड़ाई उसकी लंबाई की 3/4 है, ठीक है। यदि खेत का क्षेत्रफल 588 वर्ग मीटर है तो लंबाई और चौड़ाई का अंतर क्या है, ठीक है। उसने हमसे कहा है कि एक खेत है, कैसा है? आयताकार, ठीक है। ए उसने हमें दिया है कि एक जो खेत है वह आयताकार है और उसमें जो उसकी लंबाई है उसकी चौड़ाई नहीं, जो उसकी चौड़ाई है उसकी लंबाई की 3/4 है, ठीक है। तो पहले तो हम मान लेंगे कि उसकी जो लंबाई है वह कितनी है, वह एक्स है, ठीक है। ये हमने मान लिया कि जो उस आयताकार खेत की लंबाई है वह एक्स है, तो चौड़ाई क्या निकलेगी? चौड़ाई क्या है इसकी? 3/4 है, तो एक्स की क्या हो जाएगी? 3/4 हो जाएगी। अब उसने आगे हमें दिया है यदि खेत का क्षेत्रफल 588 वर्ग मीटर है। खेत का क्षेत्रफल कितना दिया? खेत का क्षेत्रफल बराबर 588 वर्ग मीटर, ठीक है। ये हमें दिया है। अब हमें पता है कि खेत कैसा है? आयताकार। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई, बराबर हो जाएगा 588। लंबाई है x और चौड़ाई है 3x/4, बराबर कितना हो जाएगा? 588। x का x में होगा तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर और 4 पहुंचेगा ऊपर और 3 पहुंचेगा नीचे, तो 588 गुणा 4/3। 3 से काट सकते हैं हम, 3 × 1=3, 2 बचेगा 28 हो जाएगा, 3 × 9=27, 1 बचेगा 18 हो जाएगा, 3×6=18, तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या बचेगा? 196/4। इसका गुणा कर देंगे हम 4 का, 4×6=24 की 4 हाँ से लगी 1, 4×9=36 हाँ से लगी 2, 4×9=36 37 38, तो 4×1=4=3=7, तो 784 हो गया। तो x बराबर क्या निकल आएगा? 784 किसका वर्ग होता है? 28 का, ठीक है। तो ये 28 निकल आया x बराबर। x क्या हमने मानी थी? लंबाई, यानी लंबाई कितनी निकल आई? 28 मीटर। चौड़ाई कितनी थी? x गुणे 3/4, x की वैल्यू है 28 गुणे 3/4, 4 से काटेंगे, 4×7=28, 7×3=21, तो 21 मीटर उसकी चौड़ाई हो गई। अब उसने हमसे पूछा था कि लंबाई और चौड़ाई का अंतर कितना है, तो हमें निकालना है L-B। लंबाई है 28 मीटर, चौड़ाई है 21 मीटर, अंतर आ जाएगा 7 मीटर, ठीक है। तो इस प्रश्न को बड़े ही आराम से हमने सॉल्व करके आपको दिखाया। कैसे सॉल्व किया? उसने कहा था कि चौड़ाई लंबाई की 3/4 है, तो हमने सबसे पहले लंबाई को x माना, तो चौड़ाई हो गई x गुणे 3/4। फिर उसने कहा था कि उस खेत का क्षेत्रफल है 588 वर्ग मीटर, तो हमने क्षेत्रफल को 588 वर्ग मीटर किया। अब खेत था आयताकार, तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, इसके बराबर हो गया 588, और इसको आगे हमने सॉल्व कर दिया तो x की वैल्यू मिल गई हमें 28। x हमने किसको माना था? लंबाई को, तो लंबाई निकल के आ गई 28। इसी प्रकार हमने चौड़ाई निकाली, वो आ गई 21, और हमें निकालना था लंबाई और चौड़ाई का अंतर, तो लंबाई में से हमने चौड़ाई को माइनस कर दिया, 7 मीटर हमारा आंसर निकल के आ गया, ठीक है। तो ऐसे ही नॉलेज बढ़ाने वाली वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए आपके अपने चैनल पीके गुरुजी के साथ। नमस्कार।